हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर दोस्तों सभी के लिए यहां पर एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है दो हज़ार इक्कीस यहाँ पर आपका यहाँ पर एंड हो रहा है और दो हज़ार बाईस आपकी शुरुआत होने वाली है कल से और दो हज़ार बाईस के अंदर आपकी यहाँ पर चालीस हज़ार से ज़्यादा जो तो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर आ चुकी है आने वाली नहीं है आ चुकी है और उसकी बात करते हैं तो इनमें आपकी क्या क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी कितनी कितनी वैकेंसी है कौन कौन से डिपार्टमेंट है जहाँ की आपकी भर्ती होने वाली है तो दो आपके लिए बहुत ही बढ़िया बहुत ही शानदार आपके लिए होने वाला है तो सारी वैकेंसी मैं आपको बताने वाला हूँ इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ में ही बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाली नोटिफिकेशन रिजल्ट या कोई अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिल जाएगी तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को एक बार तो देखिए तो हमारे पास यहाँ पर चालीस हजार कौन सी वैकेंसी है जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ तो सबसे पहले जो आपको वैकेंसी बताने वाला हूँ वो आप सभी को यहाँ पर पहले से पता होगा रीट वैकेंसी दो हजार बाईस ठीक है क्योंकि इक्कीस वाली तो आपकी हो चुकी है यहाँ पर ठीक है क्योंकि मेरे पास दिमाग में कई बार इक्कीस वाली वैकेंसी बार बार आ जाती है ठीक है तो देखिए एक बार तो सभी को पता है कि कल यहाँ पर ये अशोक गहलोत जी यहाँ पर हमारे सीएम हैं इन्होंने यहाँ पर कल ट्वीट किया था और ट्वीट करके ये यहाँ पर ये यह कंफर्म कर दिया है कि 2022 में 14 और 15 मई को देखो यहाँ पर डेट भी इन्होंने मेंशन कर दी है को रीट परीक्षा का आयोजित कराने का निर्णय किया है यानी कि आपकी एग्जाम डेट भी यहाँ पर इन्होंने पहले ही डिसाइड कर दी है ठीक है जिससे प्रदेश को करीब बीस हजार यहाँ पर आपको बीस हजार नए शिक्षक आपको मिलेंगे तो बीस हजार आपको नई वैकेंसी यहाँ पर मिल चुकी है तो जो विद्यार्थी यहाँ पर सोच रहे थे कि जो आपके पुरानी वैकेंसी थी उसमें पद बढ़ाए जाएंगे नहीं बढ़ाए जाएंगे तो उसमें इन्होंने पद को नहीं बढ़ाया इन्होंने अलग से यहाँ पर जो है नए जो स्टूडेंट है उनको यहाँ पर मौका दिया है यहाँ पर ठीक है तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर ये आपके लिए न्यूज है इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे यहाँ पर ठीक है तो पहली आपकी ये वैकेंसी होगी जिसमें आपकी बीस हजार वैकेंसी यहाँ पर हो चुकी है अगली वैकेंसी हम लोग देखते हैं तो अगली वैकेंसी यहाँ पर है आपकी जो आप लोग देख सकते हैं कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती कंप्यूटर टीचर की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं अब ये वैकेंसी जो है काफी समय थोड़ी सी अटकी पड़ी है ठीक है और इस पर बहुत सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं ठीक है ठीके? आपने देखा होगा कि पुलिस ने थोड़ा लाठीचार्ज भी कर दिया था यहाँ पर ठीक है लेकिन ध्यान रखना कि ये वैकेंसी अब यहाँ पर जारी हो जाएगी कंफर्म आपकी और वैकेंसी देखते हैं तो दस हजार एक सौ सत्तावन पदों पर होगी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती आपकी ठीक है जिसके अंदर आपके यहाँ पर दो पेपर होंगे और अगर हम इसकी बात करते हैं एक बार तो देखिए कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए शिक्षा विभाग ने सोमवार को कर्मचारी चयन बोर्ड को नोडल एजेंसी नियुक्त कर दिया है विभाग ने भर्ती का सिलेबस भी यहाँ पर जारी कर दिया है कुल दस हज़ार एक सौ सत्तावन पदों पर होगी यहाँ पर इसमें से ध्यान रखना है कि नौ हज़ार आठ सौ बासठ जो पद हैं आपके वो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के हैं और बाकी के जो दो सौ पद हैं वो हैं आपके वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पद होंगे आपके ठीक है परीक्षा कब होगी ये भी तक तय नहीं की गया है लेकिन इसका नोटिफिकेशन जो है वो जनवरी महीने के अंदर आपका रिलीज कर दिया जाएगा और जल्दी आपके आप मान सकते हैं कि मई जून के अंदर आपकी इसकी एग्जाम भी करवा हो सकती है आपकी हो सकता है कि इससे पहले भी आपके यहाँ पर एग्जाम हो जाए क्योंकि मई के अंदर तो आपकी रीट की एग्जाम होगी आपकी ठीक है तो उससे पहले भी आपके पर एग्जाम हो सकती है आपकी ठीक है अगले देखिए यहाँ पर देखो यहाँ पर इसी के समय में देखिए आप लोग विभिन्न भर्तियों को लेकर आर एस एस बी ने चेयरमैन से की मुलाकात ठीक है बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष हमारे उपोन यादव ठीक है इनसे मुलाकात हुई दिन की और कंप्यूटर अनिर्देशक भर्ती जय पशुधन सहायक ठीक है वनपाल वन रक्षक प्रयोगशाला सहायक देखो मैं बता रहा हूँ आपको ठीक है लैब स्टैंड वाली वैकेंसी आपकी भर्तियों की विज्ञप्ति जारी करने की मांग की है मैंने कि ये जो वैकेंसी आपकी ऑलरेडी यहाँ पर अपडेट हो चुकी है मतलब इनकी जो विज्ञप्ति जारी करने की जो मांग थी वो पूरी हो चुकी है लेकिन बस विज्ञप्ति वेके, जारी होने अभी बाकी है आपका जो कि यहाँ पर जल्दी जारी हो जाएगी और इसी इसीलो इनसे मुलाकात की यहाँ पर बोर्ड अध्यक्ष ने जल्द ही विज्ञप्ति जारी करने की बात कही है साथ ही मई से जुलाई के बीच परीक्षा आयोजन की बात भी कही है आप देख सकते हैं कि जो कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती है मैंने आपसे कहा था कि मई या जून जुलाई के आसपास आपकी जो भर्ती है क्योंकि मई के अंदर तो आपकी यहाँ आप पर जो भर्ती थी कौन सी वाली रीट वाली ठीक है रेट वाली जो एग्जाम है वो चौदह से पंद्रह मई है तो जैसे ये एग्जाम हो जाएगी उसके बाद ही आपकी यहाँ पर जो ये वैकेंसी है कंप्यूटर अनुदेशक ये भी आपकी करवा ली जाएगी साथ में यहाँ पर आपकी वन रक्षक वन पाल इनके भी वैकेंसी यहाँ पर आ सकती है आपकी ठीक है तो इस बार मतलब ये मान के चलो कि बहुत ही आपके पास सुनहरा मौका है ठीक है और एक जो वैकेंसी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है आपकी पता है आपको लैब असिस्टेंट ठीक है लैब असिस्टेंट की इसकी वैकेंसी जो यहाँ पर निर्धारित है पहले से ठीक है और इसका भी जो नोटिफिकेशन है आप आपको जनवरी महीने में आपको देखने को मिल जाएगा इसका भी जो नोटिफिकेशन आपको जनवरी के अंदर अंदर आपको इस का जो नोटिफिकेशन है आपको देखने को मिल जाएगा और लगभग नौ से दस हज़ार के आसपास में आपकी वैकेंसी आने वाली है क्योंकि इसके भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट अभी जरूरत पड़ रही है यहाँ पर ठीक है स्कूल के अंदर भी कॉलेज के अंदर भी ठीक है तो ये आपकी वैकेंसी है टोटल आप देख सकते हैं कि बीस तो आपकी रेट की होगी यहाँ पर दस हजार दस हज़ार से ऊपर आपकी कंप्यूटर टीचर की होगी और बाकी दस हज़ार के आसपास आपकी यहाँ पर प्रयोगशाला सहायक की होगी यानी कि आपके लैब स्टैंड की होगी यहाँ पर तो ये वैकेंसी थी आपकी यहाँ पर ठीक तो है जो आपके यहाँ पर जनवरी महीने के अंदर अंदर इनके नोटिसन जो है वो जारी कर दी जाएंगे आपके तो सभी के पास बहुत ही सुनहरा मौका है नए विद्यार्थियों के ऊपर मौका दिया जा रहा है तो बस आप लोग अपनी जो तैयारी है उसमें आप लोग चार चार लगा दीजिए और नौकरी आपके हाथों में हो जाएगी नई साल आपके लिए बहुत अच्छा है बहुत इसके लिए आपकी धवन स्टडी पूरी तरह से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ में जब तक के लिए बाय बाय थैंक यू सो मच